أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله. एक मरतबा और बुलंदतर सलावत पढ़ दें। बिरादरान इस्लामी और मुसलमाना ने हुसैनी, ये जुमला मेरा आप हजरात के अज़हान आलिया में महफूज होगा, जो अक्सर मजालिस में अर्ज़ करता हूँ कि इस मदरसे हुसैनी की बुनियादी किताब क़ुरान हकीम है। और क़ुरान हकीम में सूरों की जो तरतीब है या आयतों की जो मौजूदा तरतीब है, वो यकीनन तरतीब तंजीली के मुताबिक नहीं है, लेकिन जो भी तरतीब है वो तरतीब ख़ुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलवाई हुई, किसी और को शरफ़ तरतीब व तदवीन क़ुरान हासिल नहीं है। इसी के साथ एक इरशाद गिरामी है हज़रत ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तवज्जो इस इरशाद की तरफ होनी चाहिए। अगर क़ुरान मजीद की तफसीर, इसकी तावील और इसके रमूज़ व असरार तक रसाई हासिल करनी हो तो मुमकिन नहीं है, ग़ालिबन कल भी मैंने गुजारिश की थी, मुमकिन नहीं है कि हम किसी और से ये असरार हासिल कर सकें जिस पर क़ुरान मजीद नाजिल हुआ है। वही मुरादात इलाहिया की तौज़ीह का हक़ रखता है। ये इरशाद गिरामी बेहद अहम है, जिसकी तरफ अभी मैं मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ। इरशाद पैगम्बर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि कुरान मजीद में जो सूरहाए तवाल हैं, यानी जो तवील सूरह हैं, तकरीबन 200 आयतें या 200 से ज़ायद आयतें या तकरीबन 200 आयतें, जो तवील सूरह हैं, सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह निसा है, सूरह अनआम है, ये सूरह मुझे मकाम तौरात में अता किए गए। कौन फरमा रहा है? पैगम्बर इरशाद फरमा रहे हैं कि जो तवील सूरह हैं ये तौरात की जगह मुझे दिए गए हैं, और जो सूरहाए मईन हैं, मईन मअह से मईन है, मअह यानी 100, मईन यानी वो सूरह जिनमें कम व बेश 100 आयतें हैं, ये मईन सूरह मुझे इंजील की जगह अता किए गए हैं। और जो सूरहाए क़िसार हैं, जो छोटे छोटे सूरे हैं, ये वो ख़ास वही इलाही है, ये वो ख़ास कलाम है, ये वो कलिमात जवामे कलिम हैं जो मुझे बतौर ख़ास अता किए गए हैं। तवज्जो रहे, सूरह मुबारक नबा की इब्तदाई चंद आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, कल भी की थी, कल ना तर्जुमा कर सका ना उस ज़िम्न में कुछ बयान अर्ज़ कर सका, पूरी तकरीर तमहीदी हो गई। सूरह नबा भी मुख्तसर सूरों में से है, सूरह क़िसार में से है। ये सूरह क़िसार में जो ख़ुसूसियत है कि पैगम्बर ने फरमाया ये वो ख़ास अताए रब्बानी है जो मुझे अता की गई। इसके मानी ये हैं कि अगर असरार ख़त्म नबूवत की जस्तजू करनी है तो बतौर ख़ास इन मुख्तसर सूरों का दक़ीक़ मुताला करना होगा। तवज्जो है, वो सूरह जो तवील सूरह हैं वो तौरात की जगह, जो मईन हैं वो इंजील की जगह है। सब का सब मुअजिज़ा, कुरान मजीद अज़व्वल ता आखिर मुअजिज़ा है, इसकी हर आयत मुअजिज़ा है, हर हर्फ मुअजिज़ा है, हर हरकत मुअजिज़ा है, हर सुकून मुअजिज़ा है। जहाँ हुजूर ने वक्फ़ फरमाया वो भी मुअजिज़ा, जहाँ हुजूर ने वस्ल फरमाया वो भी मुअजिज़ा, सब कुछ मुअजिज़ा। लेकिन ये जो मुख्तसर सूरें हैं इनकी जमालियाती फ़ज़ा, इनकी लसानियाती फ़ज़ा, इनकी अदबी तहदारी, इनकी मानवी तहदारी, इनकी हकीमाना और फ़लसफियाना उम्क़, इनका इरफ़ानी जिहत, इनकी इन आयात के बुतून वो बेइंतहा हैं और उनमें असरार ख़त्म नबुव्वत पोशीदा है। इसलिए इन छोटे छोटे सूरों को, कल भी मैंने अर्ज़ किया था ग़ालिबन के, ये जो हमारे यहाँ तरतीब बच्चों के लिए दी गई है कि तालीम शुरू होती है तो 30वें पारे से, जिसमें छोटे छोटे सूरे हैं, अगर ये सूरे याद हो जाएं तो ज़हन को, क़ल्ब को, नफ्स को जो तक़वियत मानवी हासिल होती है, जो रूहानी मानवियत हासिल होती है, तक़वियत हासिल होती है, वो बेपनाह है। और अगर तर्जमे के साथ याद हो जाएं तो और भी नूरुन अला नूर, और अगर उसमें कुछ और तवज्जो का इजाफ़ा हो जाए कि सिर्फ़ लफ्ज़ी तर्जमे पर निगाह ना हो बल्कि ज़ौक़ ऐसा बेदार हो जाए कि ये एहसास हो कि मुझसे क़ुरान मजीद जब तिलावत करें, जब भी तिलावत करें क़ुरान मजीद, तो इस एहसास के साथ तिलावत करें कि मुझसे मेरा रब खिताब कर रहा है। किसका खिताब है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खिताब है, खिताब इलाही है। इसीलिए कि बावज़ू होकर तिलावत करना चाहिए, क़िबला रू होकर तिलावत करना चाहिए, पूरी तवज्जो से क़ुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। अदब व आदाब आशिकाना को मलहूज़ रखना चाहिए, पूरी तवज्जो के साथ क़ुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। तो फिर अगर आप अरबी ज़बान नहीं भी जानते तब भी क़ुरान मजीद अपने आप को समझाने की कोशिश करें। ये सब इस फ़कीर की बातें याद रखिएगा, ये मिंबरी नुक्ते नहीं हैं। आपकी इस्तिलाह में, आपकी इस्तिलाह में, राइज इस्तिलाह में, मुतदावल इस्तिलाह में ये मिंबरी नुक्ते नहीं हैं। अगर पूरी तवज्जो के साथ क़ुरान मजीद पढ़ें, तो अगर आप अरबी ज़बान नहीं भी जानते तो ऐसा नहीं है कि बेहज़ उठ जाएंगे, कोई हज़, कोई हिस्सा, कोई नसीब आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। क़ुरान मजीद मुअजिज़ा इसी एतबार से है, क़ुरान मजीद मुअजिज़ा इस एतबार से भी है कि जो अरबी जानता है उसकी भी समझ में आता है, जो अरबी नहीं जानता अगर मोहब्बत के साथ क़ुरान पढ़े तो क़ुरान उसके लिए भी अपनी तजल्लियाँ अर्ज़ानी फरमाता है, जलवा बारी फरमाता है। क़ल्ब मुस्लिम पे, क़ल्ब मोमिन पे क़ुरान की तजल्लियाँ होती हैं। तजल्ली गाहे हक़ आपका दिल है, दिल, इस दिल को पाको पाकीज़ा रखने की कोशिश कीजिए। कोहे तूर तजल्ली गाह नहीं है, पत्थर या पहाड़ तजल्ली गाहे हक़ नहीं है, क़ल्ब मोमिन है जो तजल्ली गाहे हक़। बहरहाल ये छोटे छोटे सूरे बहुत तवज्जो चाहते हैं। मुबारक हैं वो हज़रात जो अब भी अपने बच्चों को सबसे पहले 30वां पारा पढ़ाते हैं, तवज्जो के साथ छोटे छोटे सूरे याद करा देते हैं। इन सूरों में बेपनाह इल्म है, बेपनाह इल्म है, इल्म नूर इल्म। कलाम उसका है कि जिसकी सिफत ज़ात है इल्म। कलाम किसका है? जिसकी सिफत ज़ाती है इल्म, जिसकी सिफत ज़ाती है हयात, जिस ज़ात गिरामी से हयात जुदा नहीं हो सकती, जिस ज़ात गिरामी से इल्म जुदा नहीं हो सकता, उस आलिम व अलीम का कलाम है। तो ये आयतें ज़ख़ीरा इल्म हैं और हर एतबार से तवज्जो रखिएगा। किसी भी एतबार से, जब मेरी तबीयत किसी भी एतबार से मुज़महिल होती है और गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता होती है तो फिर वो गुफ्तगू देर तक जारी रहती है। इसलिए आप हज़रात तवज्जो बरकरार रखें और एक बुलंदतर सलावत पढ़ें। क़ुरान मजीद का ये सूरा, सूरह मुबारक है नबा, अजीब गरीब सूरा है। देखिए क़ुरान मजीद को समझने के लिए सबसे पहले गुफ्तगू कहाँ से शुरू होगी? अल्फाज, कलिमात। कोई भी इबारत समझनी हो, कोई भी मतन समझना हो, कोई भी टेक्स्ट आपको हल करना हो, समझना हो, उसका तर्जमा, उसकी तफसीर, उसकी तावील, तो आगाज़ कहाँ से होगा? अल्फाज से। यही ज़ाहरी अल्फाज जो आपके सामने। पहली सतह है मुफ़रदात का जानना, एक एक कलेमे के मानी को जानना। दूसरी सतह है कि इन अल्फाज की तरकीब को समझना। तीसरी सतह है इन अल्फाज को तरकीब देने वाली शख्सियत कौन है, ज़ात कौन है, उसकी मारिफत। और फिर उस पूरी तहज़ीबी फ़ज़ा की मारिफत, जिस तहज़ीबी फ़ज़ा में वो कलाम तख्लीक़ हुआ है। इसीलिए इब्तिदान में गुजारिश करता हूँ कि हर हर लफ्ज़ के कम से कम तो 3 मानी होते ही हैं हर लफ्ज़ के साथ। एक लुगावी माना है, डिक्शनरी मीनिंग, लेक्सिकल मीनिंग। एक नहवी माना है, जब वो कलिमा किसी जुमले में आता है तो उसमें एक नहवी मानी का इजाफ़ा होता है, मानी की एक परत और एक तह और जम जाती है उस पर, उस लुगावी माना के साथ। ये नहवी माना आते हैं, मसलन कोई कलिमा है, अब वो जुमले में मुब्तदा है या ख़बर है, सिफ़त है या मौसूफ़ है, मुज़ाफ़ है या मुज़ाफ़िले है, हाल है या तमीज़ है, जो भी उस कलिमे की पोजीशन है सेंटेंस में, वो एक मानवी इजाफ़ा होता है उसमें। उसके साथ एक तहज़ीबी फ़ज़ा होती है हर कलिमे के साथ। ये मुमकिन नहीं है कि कोई कलिमा अपने साथ कोई तहज़ीबी फ़ज़ा ना रखता हो। तहज़ीबी फ़ज़ा अपनी जगह जितनी तहदार होगी उतने ही मानी और तहदार होते चले जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं इन आयात को लेता हूँ और एक अदबी कलिमा और इस्तेमाल कर लूँ। एक अदबी बहस है मजलिस में, उदबा और शुआरा भी तशरीफ़ फरमाएँ, असातिज़ा अदब तशरीफ़ फरमाएँ, जनाब प्रोफेसर अनीस अशफाक़ साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जिन्होंने बरसहा बरस लखनऊ यूनिवर्सिटी में ज़बान व अदब का दर्स इरशाद फरमाया है। कि एक चीज़ होती है उसलूब, स्टाइल। कोई भी कलाम उसलूब से आरी नहीं हो सकता, और उसलूब, कलाम का उसलूब मुतकल्लिम की शख्सियत के साथ मुत्तहिद होता है। जैसी शख्सियत होगी वैसा ही उसके कलाम का उसलूब होगा। जैसा राइटर होगा, जैसा पोएट होगा, जैसा ऑरेटर होगा, वैसा ही उसकी ऑरेटरी या उसकी राइटिंग या उसकी पोएट्री का स्टाइल होगा। यानी स्टाइल और पर्सनालिटी जो है वो मुत्तहिद है। अब यहाँ पर राज मुअजिज़ाए कुरान का यहाँ पर है। किसी भी शख्सियत को जो पैकरे बशरी में आ जाए, किसी न किसी हैसियत से हम उसकी शख्सियत का तआयुन करने के काबिल हो जाते हैं, मगर जो जिस्म व जिस्मानियात से मुनज़्ज़ा हो, जो मकान व मकानियात से मुनज़्ज़ा हो, जो ज़मान व ज़मानियात से मुनज़्ज़ा हो, जिसको किसी भी तरीक़े से कोई पैकर अता न किया जा सके, उसकी शख्सियत के अबाद कैसे मुतय्यन होंगे? फिर इस उसलूब को परखा कैसे जाएगा? कलाम किसका है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, हई का कलाम है, आलिम का कलाम है। आम इंसान का कलाम होता है तो उसमें यकीन के साथ कहीं कहीं गुमान होता है। आलिम का कलाम है जहाँ जहल का गुज़र नहीं, हई का कलाम है जहाँ मौत का गुज़र नहीं। वो भी वो हई, वो जिंदा के जो ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, जो न कभी घूमता है न सोता है। राज इस मुअज़ज़े का यहाँ पर है कि कलाम उस ज़ात मुनज़्ज़ह मुक़द्दस का है। उसलूब में ये तो एक ऐसे नुक्ते का तज़किरा मैंने किया कि जिस पर इससे ज़्यादा वजाहत से गुफ्तगू मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उसलूब का ख़ारिजी पहलू, उसलूब के ख़ारिजी पहलू में मसलन आप किसी उसलूब को कह देते हैं कि ये बड़ा पुरशिकोह उसलूब है, किसी को कहते हैं कि ये मुतरन्निम उसलूब है, किसी को कहते हैं कि इसमें बड़ा ये पुरसोज़ है, इसमें सोज़ व गुदाज है। अगरचे इन अदबी और तनक़ीदी ताबीरात का भी जिस तरीक़े से तज्ज़िया होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। एक कुंद सा तबसरा किसी उस्ताद की ज़बान से निकल गया और वही फ़िक़रा दोहराते चले जा रहे हैं लोग। मसलन किसी से पूछिए कि मीर और सौदा में क्या फ़र्क़ है, तो वो बहुत ही मशहूर फ़र्क़ वाज़े कर दिया जाता है दो शेर पढ़ के। कहते हैं मीर के यहाँ सोज़ व गुदाज़ है और सौदा के यहाँ पुरशिकोह उसलूब है, और मिसाल में वो शेर पढ़ देते हैं सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो और इधर सौदा की जो बानी पर हुआ शोरे क़यामत। अब देखिए दोनों मिसरों का लेकिन यहाँ पर गुफ्तगू इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। असालीब का तनव्वुअ और भी ज़्यादा है। क़ुरान मजीद में मसलन कसमें खाई गई हैं, मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ अभी ताकि आप हजरात का जहन पहले खूब अच्छी तरह से बहुत से सवालात आपके सामने आ जाएं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़े। कसमें क़ुरान मजीद में खाई गई, तो अक्सर सवाल करते हैं लोग कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कसम खाने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है, आलिम है, कादिर है, माबूद बरहक़ है। कसम तो वो खाता है जिसको अपनी बात मनवानी हो और अपनी सदाकत का इतराफ़ कराना हो। अल्लाह इससे बुलंद व बरतर है, सुब्हानहू व तआला बेशक बुलंद व बरतर है। यहाँ मसला कंफ्यूज कर गए हैं लोग। कसम का एक फ़िक़ही तसव्वुर है और एक अदबी, दोनों को एक दूसरे से, यानी एक लीगल कॉन्सेप्ट है कसम का। कसम एक लीगल टर्मिनोलॉजी भी है और एक लिटरेरी और पोएटिक टर्मिनोलॉजी है। लफ्ज़ कसम मुश्तरक है, तारीफ़ें मुख्तलिफ हैं। तवज्जो है, अगर आपकी तवज्जो अच्छी तरह से इस नुक्ते तक मबजूल नहीं है तो मैं मजबूर हूँ अपनी एक पुरानी मिसाल दोहराऊँ जो लखनऊ में भी पहले पढ़ चुका हूँ और बहुत पुरानी मिसाल है ये, और बीच में कई बार दोहरा चुका हूँ और माज़रत के साथ फिर दोहरा रहा हूँ। कभी कभी कोई हकीकत या कोई इस्तिलाह मुश्तरक होती है, लेकिन अलग अलग जावियों से जब उस पर नज़र डाली जाती है तो उसकी डिफिनेशन मुख्तलिफ हो जाती है। मसलन यहीं से एक मुट्ठी खाक उठा ले कोई, मिट्टी, और इसे ले के चले जाएं आप कुम्हार के पास जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है। उससे कहें ये क्या है, सवाल है ये क्या है। क्या है का जवाब क्या होता है? तारीफ, डिफिनीशन। वो कहेगा कि ये हमारे बर्तन बनाने के लिए और खिलौने बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल है, हम इससे अच्छे अच्छे बर्तन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। उसके फ़न के एतबार से यही परफेक्ट डिफिनीशन है जो उसका आर्ट है, उसके आर्ट की निस्बत से यही परफेक्ट डिफिनीशन है। वही मिट्टी बग़ैर तब्दील किए हुए कि आप वो मिट्टी वहाँ फेंक दें और दूसरी उठा लें, नहीं, वही मिट्टी लिए हुए आप किसी फिज़िसिस्ट के पास चले जाएं, किसी इल्म तबीयात फ़िज़िक्स के आलिम के पास चले जाएं, साइंटिस्ट के पास। और उससे कहें ये क्या है, तो कहेगा ये मैटर है, सॉलिड स्टेट में है, मिक्सचर है, इसमें बहुत से सिंपल और बेसिक एलिमेंट्स शामिल हैं। तवज्जो है, इसके इल्म के निस्बत से यही डिफिनेशन परफेक्ट है। उस डिफिनेशन को जहन में रखकर इसका तख्तिया नहीं कर सकते कि आप गलत कह रहे हैं, और इस डिफिनेशन को जहन में रखकर कुम्हार से नहीं कह सकते कि तुम गलत कह रहे हो। उसकी डिफिनेशन अपनी जगह परफेक्ट है और इसकी डिफिनेशन अपनी जगह परफेक्ट है। अब आपने देखा कि परफेक्शन भी रिलेटिव होती है। ये डिफिनीशन की बहस है, ये लॉजिक की बड़ी गहरी बहस है, बड़ी इंपॉर्टेंट बहस है। आधा इल्म मंतिक डिफिनीशन से मुताल्लिक है, बाकी आधा आर्गूमेंट से मुताल्लिक होता है। असल चीज़ डिफिनीशन है। एक मंतिकी, एक हकीम, एक फ़लसफ़ी मंतिक के सहारे से क्या करता है? हक़ाइक़ की तारीफ, चीज़ों की डिफिनीशन, परफेक्ट डिफिनीशन की तलाश। ज़हन बशरी का अप्रोच यही है हमेशा। इंसान हमेशा ये चाहता है कि जो हकीकत उसके सामने है वो जान ले कि ये क्या है। तवज्जो रखिएगा। और ये बच्चा जब पैदा होता है तब से ये शुरू हो जाती है बहस। जिस चीज़ को बच्चा देखता है माँ बाप से पूछता है ये क्या है, ये क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हकीकत मालूम हो जाती है तो इंसान मुतमइन हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तारीफ मालूम नहीं हो सकती तो मायूस हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हकीकत मरातिब में मुनकशिफ होती है, और इस कैफियत के साथ कि जैसे जैसे हकीकत मुनकशिफ होती जाती है इंसान की ज़ात में हैरत का इजाफा होता चला जाता है। तहय्युर, हैरत, न मायूसी, न वो इत्मीनान, बल्कि एक हैरत। बहरहाल अब यही मिट्टी लेकर बगैर तब्दील किए हुए आप उसके फिजिसिस्ट के सुपुर्द न करें। आप वो मिट्टी दबाए हुए आप चले जाइए मौलाना के पास, आफ्ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला के पास चले जाइए, इमाम जुमा व जमात मस्जिद आसिफ़ी लखनऊ, और आप वहाँ जाकर उनसे कहिए कि क़िबला ये क्या है। ठीक, कुम्हार ने क्या जवाब दिया था कि ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है, मैं इससे बर्तन बनाता हूँ, खिलौने बनाता हूँ मिट्टी के। फिजिसिस्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि ये मैटर है, सॉलिड स्टेट में है, मिक्सचर है, और इसमें बहुत से बेसिक सिंपल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक फ़क़ीह क्या कहेगा, एक आलिम दीन क्या कहेगा? कहेगा हादा अहदुत तहूरैन, ये दो तहूरों में से एक है। जब पानी मैसर न हो तो अल्लाह ने इसको पाक करने वाली हकीकत करार दिया है, इससे हम तयम्मुम करते हैं, बदले वज़ू के तयम्मुम, बदले गुस्ल के तयम्मुम। इसके इल्म की रोशनी में यही डिफिनेशन परफेक्ट डिफिनेशन है। तवज्जो है। और सुना आपने, चीज एक है मगर जब अलग अलग माहिरीन, अलग अलग शोबे जिंदगी और अलग अलग जाविये इल्म से निगाह करने वाले निगाह करते हैं तो उस चीज़ की डिफिनेशन मुख्तलिफ हो जाती है। तवज्जो रखिएगा, ये हमारी ठोकरों में आने वाली खाक अगर इसकी तारीफें गूनागू हो सकती हैं तो जो हमारे तसव्वुर में भी नूर ना आ सके उसकी तारीफें कितनी हो सकती। तवज्जो है, ये ठोकरों में आने वाली खाक, ये मिट्टी। मैंने तो 3 ही मिसालें दी, और लोगों के पास चले जाइए तो और डिफिनेशन सामने आ जाएंगी। किसी जियोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो बाकी तीनों से अलग डिफिनेशन देगा। किसी केमिस्ट के पास जाइए, वो अलग, जदीद केमिस्ट के पास जाइए तो अलग डिफिनेशन देगा। पुराने इल्मुल कीमिया के माहिर के पास जाइए, वो अलग डिफिनेशन देगा। जब इस मिट्टी, इस खाक जो आपकी ठोकरों में है, इसकी इतनी तारीफें गूनागूं हो सकती हैं, तो जब बात नूर तक पहुँचेगी तो इसकी कितनी डिफिनेशन हो सकती है, और जब नूर मुजर्रद तक पहुँचेगी तो उसकी कितनी डिफिनेशन हो सकती है। अब तक की बहस से एक अमली नुक्ता, एक अखलाकी नुक्ता ये लेके जाइएगा कि आपने अगर किसी चीज़ की कोई तारीफ़ मुतय्यन कर ली है तो ये ना समझिए कि उससे हट के तारीफ़ हो नहीं सकती। यहीं से इंसान का तकब्बुर आलिमाना टूटता है, या ये कहिए कि गुरूर जाहिलाना को शिकस्त होती है। ये ज़िंदगी की वुसअत, ये इल्म की तहदारी कि एक ही हकीकत को कितने ज़ावियों से देखा जा सकता है, और हर शख्स अपने दायरे में रहते हुए एक परफेक्ट डिफिनीशन तजवीज़ करता है, प्रपोज़ करता है डिफिनीशन, लेकिन वही डिफिनीशन अल्टीमेटली परफेक्ट डिफिनीशन नहीं होती। और इसी मिट्टी की कोई एक ऐसी तारीफ़ तख्लीक कोई कर सके जिसमें तमाम जिहतें आ जाएं, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। तवज्जो है, इस मिट्टी की कोई ऐसी परफेक्ट डिफिनेशन हो जिसमें इसके तमाम जाविये आ जाएं, मुमकिन है? नामुमकिन है। जब इस मिट्टी की तारीफ मुमकिन नहीं है, तो जो इस मिट्टी का खालिक है, सादा सा बिल्कुल, उसकी तारीफ, उसकी परफेक्ट डिफिनीशन, ये कैसे मुमकिन होगी? बहरहाल ये मिसालें जहन में रखिएगा। अब जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो बात लफ्ज़ से मुताल्लिक़ थी, ये तो एक हकीकत की मिसाल दी। अब अल्फाज, लफ्ज़ कसम, बहस कसम पे नहीं, चूँकि आ गई थी बात तो मुकम्मल कर दूँ वो जुमला कि एक तसव्वुर कसम का कानूनी तसव्वुर है, शरई तसव्वुर है, लीगल तसव्वुर है। कानून में, शरीयत में कसम खिलवाई जाती है और कसम वो खाता है जिसके पास गवाह ना हो, तो कहा जाता है अच्छा गवाह नहीं है तो फिर कसम खा लीजिए, और फिर वहाँ उसके आसार मुरत्तब होते हैं कि अगर झूठी कसम खाई तो उसका कफ़ारा क्या है या उसकी सज़ा क्या है, ठीक है। लेकिन एक है अदब में, अदब व शेर व खिताबत में जब कसम खाई जाती है तो वो इसलिए कसम नहीं खाई जाती कि वहाँ कोई कानूनी वजह है कसम खाने की, बल्कि वहाँ पुरशिकोह उसलूब पैदा करने के लिए कसम खाई जाती है, ताकि उसलूब में ज़ोर पैदा हो जाए, कलाम में क़ुव्वत पैदा हो जाए, सामे या कारी को पूरी तरह से जज्ब किया जा सके। मसलन अब ये मिसाल भी इस्लामाबाद में दे चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मिसाल देकर आगे बढ़ूँ। और वो याद रखिएगा कि पुरानी मिसालें जितनी देता हूँ वो मेरे वक्त में काउंट नहीं होंगी। एक सलावत पढ़ दीजिए, एक और बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। मसलन कोई शख्स, अब शायरी मिसाल दे दूँ, लखनऊ तो माशाल्लाह आज तक शायरी में डूबा हुआ है। दो ही चीज़ें हैं हमारी तहजीब में जिंदा, एक निरी शायरी और एक खोखली खिताबत, है ना। ये भी फरसुदा ही जुमला है ना, कई बार कह चुका हूँ लेकिन कहता रहूँगा। मशरक़ी कौमें डूब गई इसी में, डूब गई, गर्क हो गए निरी शायरी और खोखली खिताबत में। तो बस एक शायराना ही मिसाल दे दूँ, और वो मिसाल ये है कि किसी को आप कहें किसी से कि मेरा माशूक बहुत हसीन है, वस्ता सा जुमला कह दिया मेरा माशूक बहुत हसीन है, आपने कह दिया और उसने सुन लिया, कोई असर ख़ास मुरतब नहीं होगा। अब आप कहना शुरू कीजिए कि सूरज की कसम, चाँद की कसम, फूलों की कसम, चमन की कसम, बुलबुल की कसम, और आप कहें कि मेरा माशूक बहुत हसीन है। अब ये जो कसमें खाई आपने और ये जो कलाम को तूल दिया, ये सामे या कारी के नफ्स को मुतहर्रिक कर देगा। अब एक असर मुरतब होगा, और फरमाया आपने। तो ये पुरशिकोह कलाम के अनासर में से एक अनसर है कसम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसमें खाई हैं कुरान मजीद में, मगर इसलिए ताकि कुरान की तिलावत करने वाला उस मौजू की अहमियत को समझे। एक उसलूब कलाम है, जिस तरह कसम एक उसलूब है, अलबत्ता ये खारिजी अनासर हैं उसलूब के, उसी तरह एक उसलूब है इस्तिफाम। इस्तिफाम एक उसलूब है, एक तरीक़ा कलाम है। इस्तिफाम यानी सवाल करना, इस्तिफाम यानी तलब फहम, इस्तिफाम यानी तलब फहम, सवाल करना। अपने इल्म में इजाफे के लिए आमतौर पर सवाल किया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि अपने इल्म में इजाफे के लिए सवाल किया जाए, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी मुखातब के दिल में छुपी हुई किसी हकीकत का खुद मुखातब की ज़बान से एतराफ़ कराने के लिए सवाल किया जाता है, और भी बहुत से अगराज और मकासद उसलूब इस्तिफाम के हैं जो इल्म बयान और इल्म मानी की किताबों में डिस्कस हुए हैं। यहाँ पर यह आयत अजीब व गरीब है, उसलूब इस्तिफाम का है, मगर खुद इस एक उसलूब इस्तिफाम में कितनी तहदारी है। कुरान मजीद ने तकरीबन जितने अदात इस्तिफाम हैं सभी इस्तेमाल किए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मगर ये सूरा शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून। एक तो आज ताख़ीर से मैं हाज़िर हुआ, 10 मिनट तकरीबन ताख़ीर से या 15 मिनट ताख़ीर से शुरू हुई है गुफ्तगू, और फिर गुफ्तगू ऐसी है कि जो बहस तलब है, इसलिए ये गुफ्तगू आइंदा शबों में जारी रहेगी इंशाअल्लाह, और आपकी पूरी तवज्जो चाहती है ये गुफ्तगू। ये सादा सवाल नहीं है, एक उसलूब है इस्तिफाम, इसमें कितनी तहदारी है, सवाल करने वाला कौन है, सवाल किससे कर रहा है, सवाल किस अम्र से मुताल्लिक़ है, इन तमाम चीज़ों पे जब गौर करेंगे तो इस उसलूब में मज़ीद तहदारी पैदा हो जाएगी। कभी एक आम इंसान सवाल करने वाला है किसी आलिम से सवाल कर रहा है, कभी कोई आलिम अपने तालिब इल्मों से सवाल कर रहा है आजमाइश के तौर पर, इम्तिहान के तौर पर, कभी एक आलिम दूसरे आलिम से सवाल कर रहा है। यहाँ क़यामत यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सवाल कायम कर रहा है और बज़ाहिर मुखातब अव्वल हबीब किब्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा यतसाअलून, यानी अन मा यतसाअलून, किस चीज़ से मुताल्लिक़ ये आपस में सवाल कर रहे हैं। जैसे तशबीह के लिए उलमाए अदब कहीं कहीं तशबीह मुरक्कब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ मैं कहूँगा कि ये इस्तिफ़हाम मुरक्कब है। इस्तिफ़हाम ख़ुद एक इस्तिफ़हाम से मुताल्लिक़ है, और वो भी इस्तिफ़हाम एक इस्तिफ़हाम मुरक्कब से मुताल्लिक़ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सवाल कर रहा है, सवाल कायम कर रहा है किससे? हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अन्मा, किस चीज़ से मुताल्लिक़? ये आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, अजीब बहस है। क़ुरान मजीद में बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ पर उम्मत ने या कुफ़ार ने आकर सवाल किया है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा है पैगंबर से कि जवाब दीजिए। मसलन यसअलूनक अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, ये आकर आपसे सवाल करते हैं चांद के बारे में। यसअलूनक, कलिमा याद रखिएगा, यसअलूनक, ये लोग आकर आपसे सवाल करते हैं। कुल, जवाब दीजिए। हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये लोगों के लिए तकवीम दुरुस्त करने के लिए है, औक़ात की तंजीम के लिए है, और हज की तंजीम के लिए है। इसी तरह दूसरा मकाम यसअलूनक अनिर रूह, लोग आके आपसे सवाल करते हैं रूह से मुताल्लिक़, कहिए। कुल क़ुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी, कहिए कि रूह अम्रे रब्बी है। तो वहां कहा गया यसअलूनका, आपसे आकर पूछते हैं। यहां कहा जा रहा है अम्मा यतसाअलून, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं। और ये आपस में एक दूसरे से किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? अनिन नबइल अज़ीम, क्या उस नबए अज़ीम से मुताल्लिक़ सवाल कर रहे हैं। नबए अज़ीम से मुराद क्या है? तवज्जो रखिएगा, यहाँ पर यहाँ से बहस दो जानिबा है, बज़ाहिर मगर मुत्तहिद है बबातिन। अरबी में आप तर्जमा उठा कर देख लीजिएगा तो शायद तर्जमे में ये बात उस तरह वाज़े नहीं हो पाएगी। लफ्ज़ ख़बर भी अरबी है और लफ्ज़ नबा भी अरबी है। तवज्जो है, नबा कहते ही हैं किसी अजीम खबर को, हर खबर को नबा नहीं कहते। हर खबर को नबा नहीं कहते, जो खबर बहुत अजीम शान हो उसको कहते हैं नबा। अब यहाँ पर सिर्फ नबा नहीं कहा गया, नबा के साथ अज़ीम की सिफत फिर लाई गई। अनिन नबइल अज़ीम, क्या अज़ीम नबा से मुताल्लिक़ ये आपस में सवाल कर रहे हैं? क्या उसलूब कलाम है। यानी जब तक कुरान मजीद के उसलूब को न समझा जाए तो उस वक्त तक मानी कहाँ खुल के सामने आएंगे। इसीलिए मैंने ये फ़िक़रा इस्तेमाल किया कि यहाँ इस्तिफ़हाम भी इस्तिफ़हाम मुरक्कब है। क्या अज़ीम खबर, ये कौन सी अज़ीम खबर है, तवज्जो रखिएगा, पूरी तवज्जो। और कुतुब तफासीर को उठाकर आप मुलाहज़ा फरमाएंगे तो एक मुश्किल ये है कि तफसीर के असालीब भी मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग सिर्फ ज़ाहरी डिक्शनरी उठा कर देख कर अरबी के कलिमात का तर्जमा कर देते हैं और थोड़ी सी उसकी वजाहत कर देते हैं, समझते हैं तफसीर कुरान हो गई। कुछ हजरात यानी उसमें नहवी और अदबी बहसें शामिल कर देते हैं और समझते हैं तफसीर का हक़ अदा हो गया। कुछ हजरात उसमें इल्म कलाम की बहसें शामिल कर लेते हैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक, कुछ उसमें फ़लसफ़े और हिकमत की बहसें शामिल कर देते हैं, उसे हकीमाना तफसीर कह देते हैं। कुछ हजरात सिर्फ रिवायात पर इन्हिसार करते हैं कि जो रिवायतें हम तक पहुँची हैं, और उसका नाम देते हैं तफसीर रिवाई, यानी बस रिवायत की रोशनी में तफसीर। ऐसी तफसीरें बहुत कम, नादिर, न होने के बराबर हैं जहाँ तमाम जिहात और जवानिब को जमा कर दिया गया हो। और जब तक हसब मकदूर, जहाँ तक भी इंसान की ताकत है, तमाम जिहात और जवानिब को सामने नहीं रखा जाएगा, कुरान की तफसीर नहीं हो सकती। एक तरफ कुरान की तफसीर नहीं हो सकती, कुरान की तफसीर नहीं हो सकती है कि मानी क्या है, यानी कुरान का मैसेज डिलीवर नहीं होगा। तफसीर नहीं हो सकती कि मानी यह है कि जो बात कही गई वो मुंतकिल नहीं हुई। यही सूरत है कि अगर कोई रिवायत हम तक पहुंची पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से कोई रिवायत पहुंची, अब इंसान रिवायत देखता है और बज़ाहिर अपनी नारसाई का एहसास करता है। वो सोचता है कि दुनिया के 99% मुफस्सरीन तो इस रिवायत के मुताबिक तर्जमा कर नहीं रहे, और ये रिवायत कैसे यहाँ पर मैं ज़िक्र करूँ, तो रिवायत को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये नहीं सोचते कि रिवायत है किससे। अगर पैगंबर ही का कोई कौल आया हम तक, या किसी मासूम का कोई कौल आया हम तक किसी तफसीर से मुताल्लिक़, और हम उसका ज़िक्र अपनी तफसीर में या अपने हाशिए में ना करें, तो ये कितनी बड़ी जसारत है। यानी अपनी तरफ से अपने अक़वाल तो दर्ज तफसीर हो रहे हैं। तवज्जो है, हम क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी हकीकत क्या। हमने अरबी पढ़ ली, हमने फ़लसफ़ा पढ़ लिया, हमने फ़िक़्ह पढ़ ली, हमने इल्म उसूल फ़िक़्ह पढ़ लिया, और हम मुज्तहिद हो गए और हमने तफसीर लिख दी, तो हम अपना कौल तो लिख रहे हैं, लेकिन जो मासूम का कौल है उसे ना मतने तफसीर में जगह दे रहे हैं, ना हाशिया तफसीर में। गौर फरमा रहे हैं आप। इसमें किसी एक मसलक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत तवज्जो तलब मसला है, बेइंतहा अहम मसला है। मसलन कल मिसाल आ गई थी इंसानी अज़मत के ताल्लुक़ से, मैंने एक जुमला अक्सर कहता हूँ, कल भी आ गया था, और उसमें मैंने सूरह वत्तीन की मिसाल दी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने चार कसमें खाई हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसने तक़वीम। अब ठहर कर साथ दे दीजिए थोड़ा सा, तो इंशाअल्लाह मफ़हूम वाज़े हो जाएगा, कम से कम आज की तमहीद मुकम्मल हो जाएगी। बातें जो हैं इन मजालिस में मेरे लिए तकद्दुर ख़ातिर का सबब हैं। एक तो मौसम, इस सर्द मौसम में बहुत से हज़रात खड़े होकर मजलिस समाअत फरमा रहे हैं, बहुत से हज़रात आसमान के नीचे तशरीफ़ फरमाएँ और मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। इसलिए जिसे कहिए कि अपने उसलूब में जी खोल के बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक लतीफ़ सा जुमला अर्ज़ करूँगा। ये बताइए कि सूरे में बात क्या कही गई? चार कसमें खाई गई, वो तो बहुत आसान है ना। वह तीन की कसम यानी इंजीर की कसम। इंजीर मशहूर मारूफ़ मेवा है, फल है, जानते हैं आप। वह जैतून, जैतून भी सब जानते हैं। वह तूर सीनीन यानी तूर सीना, वो पहाड़ बज़ाहिर जिस पर जनाब मूसा पर तजल्ली हुई थी और तौरात नाजिल हुई थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम फरमाया था। वहादल बलदिल अमीन, और ये बलद अमीन, ये शहर अमन व अमान, इससे मुराद मक्का। ठीक है, ये चार कसमें खाई गई। ज़ाहिर ये है, ज़ाहिर ये है, बातिन क्या है? तवज्जो रखिएगा। इन चारों कसमों के खाने के बाद जवाब कसम क्या है? किस चीज़ के लिए कसम खाई गई? इतना पुरशिकोह उसलूब, इस तरह तवज्जो मबजूल कराई गई, और उसके बाद कहा क्या गया? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम में खल्क़ किया है। तवज्जो है। अगर अज़मत तख्लीक़ बशर का मौजू है तो इस अहम और अवीम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए इंजीर, जैतून, तूर सीना और शहर मक्का की कसम खाने की क्या ज़रूरत थी? मुनासबत क्या है? तवज्जो है। बच्चे हंसेंगे लेकिन याद रखेंगे, तो मिसाल दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसी मिसाल दे देनी चाहिए कि जो बच्चे ये याद रखें कि इसका तज़किरा भी मिंबर से हुआ था, और वो हंसी हंसी में नुक्ता भी याद रह जाएगा। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर बात ये होती कि इंजीर की कसम, जैतून की कसम और तूर सीना की कसम और शहर मक्का की कसम, देखो तो सही हमने कैसी उम्दा ये कायनात बनाई है, इसमें कैसे कैसे फल और कैसे कैसे बागात और कैसे कैसे अशजार हैं। तो मुनासिबत थी कि बात फल की खाई गई, कसम की खाई गई, कसम खाई गई फल की, और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी, दरख्त की फल की बात की गई। या मसलन मैं कहूँ कि देखो इंजीर की कसम और जैतून की कसम, हमने आम कितना उम्दा बनाया है। भाई इंजीर तुम खाते हो, उसकी अपनी लज्जत है, मज़ा है, फ़ायदा है, और जैतून का अपना फ़ायदा है, मगर आम कैसी वाली बात तो है ही नहीं है? आम की अहमियत। फल की कसम खाकर किसी और फल की अज़मत बयान की जाए तो मुनासिबत है। पहाड़ों की और वादियों की कसम खाकर और फितरी मनाजिर को बयान किया जाए, तवज्जो दिलाई जाए, मुनासिबत है। तवज्जो है। फल की कसम खाकर, पहाड़ की कसम खाकर, शहर की कसम खाकर, और फिर तवज्जो दिलाई जा रही है अज़मत तख्लीक़ बशर की तरफ। देखो हमने इंसान को कैसी अज़मत के साथ खल्क किया है। तवज्जो है। कैसा सवाल कायम हुआ। अब यहाँ पर फिर अर्ज़ करूँगा कि ये जनाब अनीस अशफाक़ साहब तशरीफ़ फरमा है, इनका एक बड़ा अहम काम है उर्दू शायरी में अलामत निगारी पर। कभी तशबीह इस्तेमाल होती है, कभी इस्तिआरा इस्तेमाल होता है, कभी अलामत तराशी जाती है, और ये अलामत, ये पैकर, ये इस्तिआरा, इसका ज़ाहिर कुछ और होता है, बातिन कुछ और होता है। तवज्जो रखिएगा, जब तक ये अदबी हिकमत समझ में ना आएगी उस वक्त तक मासूम का वो कलाम समझ में नहीं आएगा। बहुत मुझे अफसोस है कि इस सरजमीन पर बाज़ ऐसी तफसीरें मकतब अहले बैत के उलमा ने लिखी हैं जिसमें इस रिवायत का जिक्र तक नहीं है, दूर दूर तक, न मतन में न हाशिए में। दूसरों की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मकतब अहले बैत के से वाबस्ता उलमा ने तफसीरें लिखी और न मतन में जिक्र किया न हाशिए में कि मासूम से रिवायत है। एक नहीं, एक से जायद मासूमीन से रिवायत है कि यहां तीनों जैतून से मुराद ये तीनों जैतून नहीं है, तीन से मुराद हसन है, जैतून से मुराद हुसैन है, तूर सीना से मुराद अली है, अल बलदुल अमीन से खुद मोहम्मद मुराद है। फरमा रहा है देखो तो सही, हसन को देखो, हुसैन को देखो, अली को देखो, मोहम्मद को देखो, देखो हमने इंसान को किस आजमत के साथ पैदा किया। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले। अब वाज़ेह हुई बात, बिल्कुल साफ उसलूब है, कसम जवाब कसम के साथ मुत्तहिद है, बयान मुसलसल है। कल मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ने इंसान को मासूम फितरत के साथ पैदा किया। अज़मत तख्लीक़ बशर, अज़मत फितरत तौहीदी को नुमाया करने के लिए मिसाल यही है कि देखो तो सही। आप किसी स्कूल में जाएं, किसी कॉलेज में जाएं, तो उस कॉलेज के कमज़ोर तरीन बच्चों को सामने पेश किया जाएगा या सबसे अच्छे टॉपर्स को पेश किया जाएगा? स्कूल का जब तारुफ कराना होगा या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का जब तारुफ कराएगी तो रिजेक्टेड माल पेश करेगी या अवार्डेड? अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो हई, वो कादिर, वो अलीम, वो आलिम, वो अपने अज़मत तख्लीक का तारुफ कराना चाहता है। वो कहना चाहता देखो हमने बशर को किस अज़मत के साथ पैदा किया है, तो वो मिसाल में किसे पेश करेगा? लेकिन उसलूब में ये उसलूब लाना जरूरी इसलिए था ताकि अदबी दिलावेजी भी रहे, हकीमाना गहराई भी रहे, आरिफाना बुलंदी भी रहे, एक जुस्तजू भी रहे, एक हैरत भी रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अफसोस ये है, अफसोस ये है कि हमारे मकतब में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो इन रिवायतों से सर्फ नज़र कर जाते हैं। पूरी तफसीर लिखी, रिवायत ही का जिक्र नहीं किया। अब हम क्या समझे? या तो रिवायत आपकी खुद समझ में नहीं आई या आपके ईमान में कमजोरी है या आप मजमून को समझ नहीं पाए? या आपका गुरूर इल्म इतना था कि मासूम के कलाम को आपने नजरअंदाज कर दिया? तवज्जो है, अजीब मंजिल है और ये बहुत अहम मकाम है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि ग़ुलात की वज़ा करदा ये हदीसें हैं। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वो रिवायतें नहीं हैं कि जो ग़ुलात ने वज़ा की हों। उसलूब है, बहकर है, इस्तिआरा है, उसकी गहराई है। खुद हुजूर ने फरमाया है कि ये कुरान वो है कि ज़ाहिरुहु अनीक़, इसका ज़ाहिर बहुत ही जाज़िब नज़र है, हसीन है, अनीक़ है। व बातिनुहु अमीक़, और इसका बातिन बहुत गहरा है, और उसके बातिन का बातिन है, और बातिन का बातिन है, और बातिन का बातिन है। तो ज़ाहिर में तीनों जैतून है, बातिन में ये मेवे क़ल्बे मशीयत का तज़किरा हो रहा है। सादा से दो मिसरे किसी के हैं इसी मुनासिबत से कि मेवाए क़ल्बे मशीयत है हुसैन इब्न अली, मेवाए क़ल्बे मशीयत है हुसैन इब्न अली, इसलिए आया है कुरान में जैतून खिताब। मेवाए क़ल्बे मशीयत है हुसैन इब्न अली, इसलिए आया है कुरान में जैतून खिताब। हाँ, ज़ाहिर में जैतून है, उसकी अपनी अहमियत है। जो ज़ाहिर भी निगाहें हैं, जो ज़ाहिर परस्त हैं, उनके लिए वही, और जो ज़ाहिर से गुज़र के बातिन तक पहुँच सकते हैं वो गौर करें कि जैतून से मुराद क्या है। अब इतनी देर के बाद तो खुद मेरा हलक तकरीर के लिए आमादा होता है आमतौर पर। बस आप मुझे तकरीर करने दें। मुझे जब सहारे की ज़रूरत होगी तो मैं ख़ुद सलावात पढ़वा लूँगा इंशाअल्लाह, एक बुलंदतर सलावात पढ़ लूँगा। अब तवज्जो रखें, बस चंद जुमले समेट रहा हूँ दामन बयान आज। गौर फरमाइए, एक बहस की तरफ इशारा करूँगा, बहस तवील है, मैं इशारा करूँगा सिर्फ, चूँकि लखनऊ का ज़हीन मजमा मुखातब है इस वक्त। मैं लखनऊ की जहानत से मायूस नहीं हूँ, चाहे यहाँ कैसी ही जहनीतें बन चुकी हों। ख़ास तौर से मैं यहाँ के दानिश्वर तबके की जहानत पर भरोसा करता हूँ। मैं आज के नौखेज़ नौजवान तबके की जहानत को मुखातब करार देता हूँ। आप मज़हब को बेदारी के साथ कबूल करें। मज़हब क़ुव्वत है, दीन क़ुव्वत है, दीन रूह है, दीन नूर है। दीन को उनके हाथों से कबूल ना करें जिन्होंने दीन को अफीम की गोली बना दिया है। दीन क़ुव्वत है, दीन नूर है, दीन हयात है, दीन ऐन फितरत है। मगर उनके हाथों से न लें जिन्होंने दीन को इंडस्ट्री बना दिया है। बेदार हो जाएं। अगर आप बेदार नहीं हुए तो खसारा आपका है। एक बहस की तरफ बस इशारा कर रहा हूं, जो अरबाब ज़ौक़ हैं वो समझेंगे। बहुत पहले प्रोफेसर शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का एक मकाला छपा था, मीर अनीस के एक मरसिये में इस्तिआराती निज़ाम, और उन्होंने ये बहस की थी कि एक पूरे मरसिए में ज़ाहिर 100 बंद, 125 बंद, 150 बंद का मरसिया है, उसमें शायर कई अल्फाज, कई कलिमात, कई तशबीहें, कई इस्तिआरे इस्तेमाल करता है। तो ये नहीं कि वो एक दूसरे से आज़ाद और जुदा हैं, उनमें एक निज़ाम होता है। अलबत्ता ये बहस जदीद है, लेकिन कदीम एक मबना और कदीम एक अदबी बहस के बतन से वजूद में आई है। वो जो एक मकतबी जुमला हमारे असातिज़ा कहा करते थे कि देखो अदब या शायरी हुनर है रिआयतों का, रिआयत लफ्ज़ी और रिआयत मानवी, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो शायरी नहीं हो सकती, तवज्जो है, फिर अदब तख्लीक नहीं हो सकता। रिआयतों का लिहाज हर सतह पे करना पड़ता है, चाहे मुफक्किर शायर हो, फ़लसफ़ी शायर हो। क्या गालिब ने रिआयतों से काम नहीं लिया? क्या क्या क़यामत की रिआयतें बरती। तो वहाँ जहाँ रिआयतों का इस्तेमाल होता है, रिआयतों का लिहाज होता है, उसी तरह इस्तिआरा, आपने एक इस्तिआरा या एक अलामत या एक पैकर तराशा तो फिर उसकी रिआयतें पूरे आपके निज़ाम फ़िक्र पे छा जानी चाहिए। तवज्जो है? बस एक इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ। इस नुक्ते नज़र से अभी तक कुरान मजीद के शून एजाज पर काम ही नहीं हुआ कि पूरे कुरान मजीद में, कलाम हक में इस्तिआरे के निज़ाम को कोई डिस्कवर करता। मजाजातुल कुरान पे जितनी किताबें लिखी गई हैं वो इस तालिब इल्म के पलकों पे हैं, पलकों पे। तालिब इल्माना आजिज़ी से अर्ज़ कर रहा हूँ, आलिमाना तकब्बुर के साथ नहीं। जितनी किताबें लिखी गई हैं मजाजातुल कुरान, तशबीहातुल कुरान पर, कुरान के अदबी मुताले, उस सब को सामने रख के अर्ज़ कर रहा हूँ अभी तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसमें कुरान मजीद के पूरे इस्तिआराती निज़ाम को समझने की कोशिश की गई हो। अगर ये काम हो जाता तो इन रिवायतों का समझना आसान हो जाता कि इस्तिआरे का निज़ाम क्या है कुरान मजीद में। तवज्जो रखिएगा, यहाँ फल का जिक्र आया। फल हो नहीं सकता जब तक के दरख्त ना हो। अब तलाश करो कुरान ने कहीं दरख्त को भी इस्तेमाल किया है या नहीं। कुरान मजीद कहेगा अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किस तरह कलिमे तय्यबा की मिसाल दी है शजरे तय्यबा से। आ गया दरख्त का तज़किरा, शजरे तय्यबा का तज़किरा आ गया। शजरे तय्यबा से क्या मुराद है कौन बताएगा? पैगंबर ने फरमाया ये शजरा वो है जिसकी असल मैं हूं, इसका तना मेरे अहले बैत हैं, इसके पत्ते मेरे चाहने वाले हैं। पूरी रिवायत जाकर मुलाहजा फरमाइएगा। तो कुरान मजीद ने एक जगह शजरे का, दरख्त का इस्तिआरा इस्तेमाल किया। जब दरख्त का इस्तिआरा इस्तेमाल हो गया तो फिर फलों का तज़किरा भी होगा। अब यहाँ पर फलों का तज़किरा आया। अब इस फल ख़ास तौर पर जैतून की अहमियत क्या है, तवज्जो रखिएगा। अजीब मंजिल पे गुफ्तगू पहुँची है। ये भी याद रखिएगा कि जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि इस मदरसा हुसैनी, इस मदरसा आज़ा की बुनियादी किताब कुरान मजीद है, उसी तरह ये जुमला भी बारहा कहा है और हमेशा कहूँगा कि इस किताब का बुनियादी मौजू तौहीद है। हर पूरे कुरान मजीद का मौजू तौहीद है, इसके हर सूरे का मौजू तौहीद है, इसकी हर आयत का मौजू तौहीद है। मुख्तलिफ क्या है? मज़मून। मज़ामीन मुतनव्व हैं, मज़ामीन गुनागू हैं, मौजू एक है तौहीद। मौजू एक है तौहीद। जितने इस्तेआरे कुरान मजीद ने इस्तेमाल किए हों, जितनी तशबीहें, वो इसके इस बुनियादी मौजू से भी तो मरबूत होनी चाहिए। अब देखिए, असले दरख्त से लेकर और फल तक सब अगर तौहीद से मुत्तफिक और हम आहंग नहीं है तो कहिएगा कि तुमने जो डिस्कवर किया है ये थ्योरी गलत है। शजरे का तस्करा हुआ कहां से? शजरे का तस्करा अलम तर कैफ वरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन। कलिमा तय्यबा किसका नाम है? कलिमा तौहीद। कलिमा तय्यबा कलिमा तौहीद। इस कलिमा तय्यबा यानी कलिमा तौहीद की मिसाल दी गई किससे? शजरे तय्यबा से। अल्लाह अकबर। तो ये इस्तिआरा, ये तशबीह, ये अलामत या ये पैकर, ये हमाहंग है, मुनसजिम है, मुत्तहिद है अपने असले मौजू से। फलों में तज़किरा आया जैतून का, तो जरा सूरह नूर में जाकर आयत नूर पढ़ लीजिए, जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कात फ़ीहा मिस्बाहुन अल-मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन इज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़र्बिया। तज़किरा नूर तौहीद और नूर हक़ का है, मगर वहाँ भी ज़िक्र जैतून का आ गया। तवज्जो है? बड़ी अजीम बहस छिड़ गई, और लखनऊ में अजीम बहसें ही छिड़नी चाहिए। डॉक्टर साहब, आज तक ये बहस नहीं हुई है कि निज़ाम इस्तिआरात कुरानी क्या है। तवज्जो रखिएगा, बस इससे ज़्यादा न ताकत है न वक्त में गुंजाइश। बस ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरा निज़ाम कुरान मजीद का इस्तिआराती निज़ाम जो है वो मुत्तहिद है एक तरफ असल तौहीद से, और दूसरी तरफ इस्तिआरे में और आ कौन सकता है सिवाय उनके जो अरकान तौहीद हक़ हैं। इसलिए तावील में कहीं मोहम्मद का जिक्र है, कहीं अली का जिक्र है, कहीं हसन का जिक्र है, कहीं हुसैन का जिक्र है। तवज्जो है? और इसलिए मैंने गुजारिश की कि मेवे क़ल्ब मशीयत है हुसैन इब्न अली, और इसीलिए मैंने गुजारिश की वो जोश मलिहाबादी के शेर को सामने रखकर जो जोश ने कहा था कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल ना आते तो सुबह काफ़ी थी। मुहमल है ये शेर, बातिल है ये शेर, इंतहाई कमज़ोर है ये शेर। हक़ को समझना है अगर तो इस अंदाज से समझें, न मदरसे, न मसाजिद, न फ़लसफ़ा, न कलाम, सबूत हक़ के लिए बस हुसैन काफ़ी है। मदरसे, हाँ मदरसों की अपनी अहमियत है, मस्जिदों की अपनी अहमियत है, फ़लसफ़ा और कलाम की अपनी अहमियत है, मगर हुसैन की ज़ात गिरामी इन तमाम वसाइल मारिफत से कहीं बुलंदतर है। हुसैन तन्हा दलील हक़ भी है, और हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा सबूत ख़त्म नबूवत भी है, दलील ख़त्म नबूवत भी ज़ात गिरामी हज़रत सैयदुश्शुहदा। बहस काफ़ी तवील हो गई, फैल गई, और अभी तमहीद ही है, वरना आज इसी अम्मा यतसाअलून की तफसीर में जिस मंजिल तक पहुँचना था कि ये अंदाज़ा हो कि अन्नबउल अज़ीम इससे मुराद क्या है, और ये ख़िताब पैगंबर से किस तरह किया गया। जहन में जो सवाल था वो ये कि आज 28 सफ़र है, गुज़िश्ता शब 27 सफ़र शब शहादत पैगम्बर, आज रोज़ शहादत पैगम्बर में लफ्ज़ शहादत इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज़ वफ़ात इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हरचंद के अदबी और क़ुरानी एतबार से लफ्ज़ वफ़ात भी ऐसा नहीं कि शाया निशान नहीं है, मगर लफ्ज़ शहादत, वफ़ात पैगम्बर, शहादत पैगम्बर के शब्द। इसलिए गुजारिश करना चाहता था, जो असल बहस वो ये कि अन्नबउल अज़ीम को समझने के लिए हमें और किन मराहिल को तय करना पड़ेगा, हकीमाना सतह पर, फ़लसफियाना सतह पर, और कहाँ से जाकर हकीक़त मुहम्मदिया मुनकशिफ़ होगी, हकीक़त मुस्तफ़ाविया, हकीक़त मुहम्मदिया। बस अब ये सवाल जहन में रखें। आज की गुफ्तगू की तमहीद है और गुफ्तगू ख़त्म हो गई। हकीक़त मुहम्मदिया को समझने के लिए भी एक वसीला तो ख़ुद कुरान है और दूसरा वसीला ख़ुद हुसैन। हज़रत ने ख़ुद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। ये जुमला गैर मामूली जुमला है, ज़बान मुबारक के पैगम्बर से अदा हुआ है आखिरी जुमला। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इस जुमले में भी बे इंतहा गहराइयाँ हैं, एक सादा सा तर्जुमा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। मगर यहाँ पर एक जुमला कहता चलूँ। मुझसे किसी ने अभी पूछा, एक सवाल हुआ, और सवाल ये हुआ कि हम चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पर यकीन रखते हैं और हर मासूम की विलादत पर जश्न मनाते हैं। हर मासूम जो 13 मासूमीन की वफ़ात और शहादत हो चुकी है, उनकी वफ़ात की तारीख़ों में और शहादत की तारीख़ों में गम मनाते हैं। मगर इमाम हुसैन का गम इतना ज़्यादा क्यों मनाते हैं? बस बेइख्तियार मेरी कैफियत मुनकलिब हो गई। खुदा की कसम, पैगंबर का गम बहुत बड़ा गम है, हसन मुज्तबा का गम बहुत बड़ा गम है, अमीरुल मोमिनीन का गम बहुत बड़ा गम है, मगर अव्वलीन व आखिरीन में किसी की मुसीबत हुसैन के बराबर नहीं। अव्वलीन व आखिरीन में किसी का गम हुसैन के बराबर नहीं है। और ये गम मनाने की ताकीद खुद पैगंबर ने फरमाई है, बल्कि सबसे पहली मजलिस अज़ाए सैयदुश्शुहदा, सबसे पहला ज़ाकिर गम हुसैन तो अल्लाह है। अल्लाह अकबर। उसके बाद पैगंबर हैं, मलाइका हैं, मासूमीन हैं। वक्त बहुत गुजर चुका, मगर एक तेज़ी से एक रिवायत की तरफ इशारा करके बढ़ूँ कि जनाब सलमान फ़ारसी, कल हज़रत अबू ज़र का तस्करा था, आज जनाब सलमान फ़ारसी का तस्करा कर रहा हूँ। जनाब सलमान फ़ारसी एक मरतबा आए हज़रत की खिदमत में और कहा, सर झुका के बैठ गए, कहा या रसूल अल्लाह, दिल की एक खलिश है, आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता, मैं हैरान हूँ, मैं क्या करूँ। हुजूर मुस्कुराए, कहा कहो, अपनी खलिश बयान करो। हुजूर तो जानते हैं कि क्या फरमाना चाहते हैं। सलमान कहा, या रसूलल्लाह, मुझे अल्लाह की मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, अली की मोहब्बत है, हसन की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत है, हज़रत ज़हरा की मोहब्बत है, मगर हुसैन की मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है। और ये कहते हुए जनाब सलमान की कैफियत अजीब होगी। पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। कहा ये खलिश की बात नहीं है, ये ईमान में किसी फतूर और कमज़ोरी की बात नहीं, ये कमाल ईमान की अलामत है। हुसैन, हुसैन दलील ख़त्म नबुव्वत है। हुसैन, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। रोएं मगर होश के साथ रोएं, पूरे जोश के साथ। रोएं पूरी आगाही के साथ, रोएं पूरी मारिफत के साथ। बार बार ज़बान पैगंबर और ज़बान मासूमीन पे ये जुमला आया है कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे मारिफत के साथ उस पर जन्नत वाजिब है। शर्त है मारिफत। और ज़ियारत करने के यही मानी ही नहीं है कि जो करबला जाए और वहाँ जाकर कब्र मुबारक व मुतहर की ज़ियारत करे। अगर कोई वाक़अन माजूर है, मकदूर नहीं है, नहीं जा सकता, आप ज़ेर आसमान कहीं भी खड़े होकर कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मफातिहुल जनान में अल्लामा शेख अब्बास क़ुम्मी ने ये रिवायत नकल फरमाई है मासूम से। शेख अब्बास क़ुम्मी रज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स गुस्ल करे ज़ियारत हज़रत सैयदुल शुहदा की नीयत से और उसके बाद ज़ेर आसमान आ जाए, एक मरतबा दाहिने नज़र करे, बाएं नज़र करे, आसमान की तरफ देख कर कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे एक उम्रे का सवाब देता है। ये मुबालगा नहीं है, ये सब हक़ाइक़ हैं। वादा करने वाला कौन है, ऐलान करने वाला कौन है, देने वाला कौन है? हुसैन का हक़ इतना आज़ीम है, सैयद शुहदा का हक़ इतना आज़ीम है। आज है शबे शहादत मुस्तफ़ा, शबे शहादत मुजतबा, मगर मेरा दिल यही चाह रहा है कि मैं आज भी मसाइब सैयद शुहदा पढ़ूँ। बस दो फ़िक्रे अर्ज़ करूँगा, दो फ़िक्रे। मैं बरादरान इस्लाम की किताब से दो रिवायतों की तरफ इशारा करूँगा और आप तड़प तड़प के गिरिया करेंगे। हुसैन जब छोटे से थे, 4 बरस का सीन, 5 बरस का सीन, 3 बरस का सीन, घर से निकल के मस्जिद में दाखिल होते थे। पैगंबर मिंबर पे होते थे, मिंबर से नीचे उतर आते थे, हुसैन को गोद में उठाते थे और उसके बाद मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होते थे। मिंबर पर बैठ कर भी हुजूर ने कभी ये किया है कि हुसैन को जानू पे बिठाया, हुसैन के गरेबान के बटन खोले, हुसैन की पेशानी पे बोसा दिया, हुसैन के गुलूए मुबारक पे बोसा दिया, हुसैन के सीने पे बोसा दिया। और ये अमल हुजूर ने 1-2 बार नहीं किया है, अजरुकुम अला, 1-2 मरतबा नहीं किया है। रिवायतों में बराबर बराबर हुजूर, अरे बच्चे को प्यार करना है, घर में बैतुल शरफ में भी प्यार कर सकते हैं, मगर मजमए आम में किस लिए प्यार कर रहे हैं? ये हिकमतें तब समझ में आई जब वाक़या करबला हुआ। 2 फ़िक्रे अर्ज़ करूँगा। हुजूर पेशानी पे बोसा देते थे, हुसैन पैगंबर हुसैन की पेशानी पे बोसा देते थे, पैगंबर हुसैन के लबों पे बोसा देते थे, पैगंबर हुसैन के दंदाने मुबारक को चूसते थे और बोसा देते थे, पैगंबर अपनी ज़बान हुसैन को चुसाते थे और हुसैन की ज़बान खुद चूसते थे, पैगंबर हुसैन के गले पर बोसा देते थे, पैगंबर हुसैन के सीने पे बोसा देते थे। इसकी अहमियत तब समझ में आई जब रोज़े आशूरा कोई न था, सरकार सैयद शुहदा तन्हा थे, आंखें बंद थीं। एक मरतबा सरकार सैयद शुहदा ने अपने सीने पे गरानी महसूस की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेअदबी कर रहा है। आंखें खोली और उसके बाद एक मरतबा एक जुमला कहा, लक़द इर्तक़ैत मुर्तक़न अज़ीमा तालमा क़ब्बलहू रसूलुल्लाह। अरे तूने बहुत बुलंद जगह कदम रखा है, इस सीने को रसूल बोसा दिया करते थे। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। ये हुसैन है, मेवाए क़ल्ब मशीयत है हुसैन। इस सीने को रसूल बराबर बोसा दिया करते थे। एक जुमला और दूसरा जुमला ये हुसैन का जब सर बुरीदा नौ के नैजा पे बुलंद किया गया और उसके बाद सर मुबारक को लेकर कूफे में गए और शाम में, दोनों दरबारों में ये अहानत हुई है सर मुबारक की। जालिम जाबिर तख्त पर बैठा है, सर मुबारक के सैयद शुहदा तश्ते तला में है, जालिम के हाथों में एक छड़ी है और वो उस छड़ी से लबो दंदाने हुसैन से बेअदबी कर रहा है। ज़ैनब देख रही है, सैयद सज्जाद देख रहे हैं, सकीना देख रही है, सर मुबारक से बेअदबी हो रही है। एक सहाबी उठता है और तड़प के कहता है, ओ शकी, ओ लईन, अपनी छड़ी हटा ले, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रसूल इन लबो दंदान को बोसा दिया कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार, हमें उलूम कुरान और माआरिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार माबूद, हमारी ये इबादत अज़ा कबूल फरमा। परवरदिगार, जिन लोगों ने, जिन बुज़ुर्गों ने, जिन जवानों ने, जिन तंजीमों ने इन मजालिस का अहतमाम किया है, या जो तंजीमें दुनिया में कहीं भी मजालिस सैयद शुहदा का अहतमाम कर रही हैं, उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। तमाम आज़ादारान इमाम को अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार, तमाम खुतबा, तमाम उलमा, तमाम ज़ाकिरीन बामारिफ़त हुसैन को परवरदिगार अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार माबूद, मिल्लत इस्लामिया को तहज़ीब आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दें। परवरदिगार, अपने वली आखिर को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत व राहत व अदालत का परचम लहरा दें।